मैं तो सह के निकली हूँ। बोलते हैं ना, जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या मस्ती में, जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या मस्ती में। लेकिन दोस्तों, जो रहते हैं लाइफ स्टाइल की मस्ती में, चार चांद लग जाती है उसकी हस्ती में, उसकी अस्थि में। दोस्तों नाम बताना चाहूंगी, माय सेल्फ चैली साहू, नाथूनामा गांव से बिलोंग करती हूँ दोस्तों। और मुझे इस खूबसूरत महान बिजनेस को देने वाले मेरे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर आर के साहू सर, और मुझे हर एक पर सपोर्ट करने वाले सिन्हा सर, पटेल सर और गुपेंद्र दास साहू सर को एक बार शानदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। इस बिजनेस को जब मुझे बताया, प्लान प्रेजेंटेशन दिया, आप लोग तो काफी लकी हो दोस्तों कि इतने सारे लोगों को यहाँ पे, इतने सारे लोगों के बीच में सुनने को मौका मिल रहा है। लेकिन जब मुझे इस बिजनेस को बताने के लिए आए, तो मेरे घर में आए सर लोग आए थे, पूरा कॉपी पेन से बताए, इधर से आ रहा था, इधर से जा रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन एक चीज समझ आया, मैडम आप क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला पढ़ाई कर रहे। कौन सा पढ़ाई कर रहे? बीसीए की पढ़ाई कर रही हूँ। कितना कमा लोगे? ज्यादा से ज्यादा 20,000-30,000, उससे ज्यादा हमारा सोच रहता भी नहीं है। तो दोस्तों मैंने यही बोला। लेकिन आप बताइए मैडम, आप जिस जगह पे काम करना चाहते हो, क्या आप श्योर हो कि आपको मिलेगा? नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। बिल्कुल मैडम, आज जिस जगह पे आप काम करते हो, वहाँ पे आप बोल नहीं सकते कि आपको नौकरी मिलेगा ही। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जितनी क्वालिटी है, उससे 10 गुना क्वालिटी वाले भी मार्केट में बैठे हैं। और अगर वो भी है तो ये बैठे हैं जो आपके पास नहीं है। अगर वही पाना चाहते हो तो ये मौका मिला है। उसी चीज को समझा दोस्तों मैंने, और इस बिजनेस को स्टार्ट किया। इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया तो मैंने एक बार परचेस किया, मैंने सामान की परचेसिंग की। उसके बाद करना क्या है, तो दोस्तों मैंने एक बार परचेसिंग किया, उसके बाद लोगों को बताना स्टार्ट किया। और आज बताने का नतीजा ये रहा दोस्तों कि इस बिजनेस को करते मुझे 2 साल हो रहे हैं। 2 साल के अंतर्गत कभी सोची नहीं थी, या हमारे घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि सोच पाए। तो दोस्तों बीसी की पढ़ाई कर रही थी, चाहिए था, जरूरत था लैपटॉप, लेकिन कभी दिला नहीं पा रहे थे पापा। तो मैंने यहाँ से इस बिजनेस से स्टार्ट किया, और यहाँ से लैपटॉप परचेस किया। इसी बिजनेस को करके मैंने स्कूटी भी परचेस किया, और मोबाइल की तो गिनती नहीं है। हर साल मतलब 2 महीने 6 महीने में मेरा मोबाइल पता नहीं क्या पानी ही घुस जाता है, तो मोबाइल की गिनती नहीं है। और दोस्तों इस बिजनेस को करते ज्यादा दिन नहीं हो रहा है। लोग बोलते हैं कि विदेश करके, तो मैं भी नहीं सोची थी। मैं तो राजनांदगांव जिले से भी कभी बाहर नहीं गई थी। जिस टाइम मुझे बिजनेस मिला, तो इस बिजनेस को करके मैं भी विदेश यात्रा करके आ चुकी हूँ, और अभी गोवा अचीवर भी बनी हूँ। इसी बिजनेस के थ्रू दोस्तों पापा जी को बोलते थे, हमारे घर एक बड़ा वाला डब्बा वाला टीवी था, बोलते ना डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा, तो वैसे ही हमारे यहाँ भी था। पापा जी को बोल रहे थे चेंज करा दो, नहीं कराए दोस्तों। एक दिन हम दोनों भाई बहन बिजनेस करते हैं इसी को, तो एक दिन पैसा लेके गए, हर बुधवार को तो आता है, तो एक बुधवार को अकाउंट से निकाले और सीधा बड़ा वाला एलईडी टीवी लेके आए। तब उनको विश्वास हुआ कि वाकई में यहाँ पैसा कमाया जाता है। और दोस्तों लोग सपने जिसको मानते हैं, बहुत सारे लोग जिसको सपने मानते हैं, जो आज हमारी जरूरत है दोस्तों, जो मैं बड़ी प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक लड़की हो गई जो कभी सोची नहीं थी, या कभी सपना भी नहीं आता। कभी तो किसी को धोखे सपना भी आ जाता है, लेकिन मुझे सपने में भी नहीं आया था जो मैंने इस बिजनेस के थ्रू फील किया है, और उसको रियल लाइफ में जी रही हूँ दोस्तों। मैंने इस बिजनेस के थ्रू 7,500 का ग्रैंड आइटम का कार भी खरीदा इसी बिजनेस के थ्रू। और दोस्तों मैं भी मेरे टीम में बहुत लकी हूँ कि मेरे पास तो कार है, बड़ी बात नहीं है, मेरे डाउन में भी कार है, और बहुत जल्दी और ले रहे हैं सर जो है कार, है ना। और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ये इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं दोस्तों। बस इतना कहना चाहूंगी, बहुत सारे लोग लड़कियां हैं और यही बोलते हैं जब जाते हैं तो हमारे लायक नहीं है, या हमारे पापा मम्मी को पूछना पड़ेगा या मना करेंगे, या बहुत सारे लोग के मम्मी पापा ही बोलते हैं कि हमारी बेटी काम नहीं करेगी। तो इतना तो जान लो दोस्तों, किस्मत के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पे विश्वास मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि किस्मत तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। विश्व